डिलीवरी बॉय का उसके महिला मित्र ने ही अर्धनग्न अवस्था में वीडियो बनाया और पति तथा उसके मित्र की मदद से दुष्कर्म के झूठे मामले में फंसाने की धमकी देकर 1 लाख रुपयों की मांग की। नंदनवन थाने में यह प्रकरण दर्ज किया गया है। दंपति समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर सोमवार को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें PCR में भेज दिया गया। घटना बाबुलबन गरोबा मैदान निवासी डिलीवरी बॉय हितेश लक्ष्मण आगासी के साथ हुई। आरोपियों में पूजा बुद्धदेव, उसका पति केवल बुद्धदेव रमना मारुति नगर निवासी और केवल के मित्र सौरभ रायपुरे और शुभम बुरड़कर है। केवल निजी काम करता है। करीब 5 साल पहले हितेश और पूजा किसी मोबाइल कंपनी में काम करते थे। वर्तमान में हितेश डिलीवरी बॉय का काम करता है, जबकि पूजा पिग्मी एजेंट है। पुराना काम छूटने के बाद भी उनमें मित्रता है। यह उसके पति को नागवार गुजर रहा था, इसलिए हनी ट्रैप की योजना बनाई। शनिवार की रात 8:30 बजे पूजा ने हितेश को फोन कर मिलने के लिए घर बुलाया। साथ ही केवल को व्हाट्सएप मैसेज कर हितेश के घर आने की जानकारी दी। हितेश दो मित्रों के साथ घर पहुंचा। आते ही केवल और शुभम ने हितेश की पिटाई शुरू की, उसके कपड़े उतरवाए और उनके कहने पर पूजा ने अपने मोबाइल में उसका अर्धनग्न वीडियो बनाया। इसके बाद उन्होंने हितेश की जेब से 600 रुपए की नगद और ATM कार्ड छीन लिया। ATM से 13,000 रुपए भी निकाले। फिर पूजा के साथ दुष्कर्म करने के झूठे मामले में फंसाने की धमकी देकर 1 लाख रुपयों की मांग की है। चेतावनी दी कि नहीं देने पर यह वीडियो वायरल कर देंगे। व यातील एक महिला आरोपी यांची एकमेकासोबत ओळख होती 5 वर्षापूर्वी, आणि मागील काही दिवसापासून संपर्क बंद होता। परत लॉकडाऊनच्या काळामध्ये अजून संपर्क त्यांचा चालू झाला। तर त्या महिलेने त्या फिर्यादीला घरी बोलवले आपल्या भेटायला म्हणून, आणि आपल्या काही क्षणातच तिनं आपल्या नवऱ्याला व्हॉट्सअपवर मेसेज पाठवून बोलवून घेतलं, आणि नवरा त्याच्यासोबत 2 मित्र घेऊन आला। मग या फिर्यादीला त्यांनी मारहाण केली आणि त्याचे कपडे वगैरे उतरवले आणि फोटो काढला त्यांचा, आणि तो जो फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल करतो तो महिलेसोबत छेडखानी केली असं सांगून त्याच्याकडून 1 लाख रुपये खंडणीची मागणी केली, आणि त्याला मारहाण करून जबरदस्तीने ATM सेंटरवर घेऊन गेले आणि त्याच्या ATM कार्डमधून 13,000 रुपये काढून घेतले। यामध्ये 4 आरोपी आहे, एक महिला आहे आणि एक दुसरे आरोपी केवल बुद्धदेव सौरभ रायपुरे आणि शुभम बुरडकर, असे 4 आरोपी आहेत। त्यांना अटक करण्यात आलेली आहे आणि 10 तारखेपर्यंत पोलीस कोठडी घेण्यात आली। आरोपियों के चंगुल से छूटते ही हितेश थाने पहुंचा और प्रकरण के बारे में बताया। पुलिस ने तत्काल पूजा, केवल, शुभम और सौरभ को गिरफ्तार किया है। सोमवार की दोपहर उन्हें अदालत में पेश किया गया, जिसके बाद 10 अक्टूबर तक उन्हें PCR लिया गया है। पुलिस निरीक्षक संदीपनी पवार के मार्गदर्शन में यह कार्रवाई की गई है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोबरागढ़ के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट, NBCN न्यूज़, नागपुर।